फ्रेंड्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी से कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज क्लास नाइन्थ के लिए, कक्षा नौवीं के लिए मैं आप लोगों के लिए ललित की वाक काव्य खंड से, कविता के भाग से ललित जी की वाक कविता के ऊपर आज मैं चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा। आज हम लोग जानेंगे उनकी कविताओं के बारे में और उनकी कविताओं में जो एकाग्रता है ना, और उनकी काव्य शैली में जो बहुत तरह की बातें, विभिन्न भिन्न भिन्न तरह की बातों को दर्शाने का प्रयास करती हैं, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से अपनी कविताओं में रचनात्मक शैली के द्वारा है ना, पूरे साथ ही साथ ऐसा लगता है मानो कि प्रकृति के जरिए, प्रकृति के माध्यम से वो सभी तरह के अविस्मरणीय परिवर्तन को, संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर उन्होंने देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके जीवनी के बारे में जानेंगे, ललित जी के जीवनी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत कवित्री ललित जी का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर की वो कवित्री थी, यानी कश्मीर प्रांत की थी, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो भक्ति काल से संबंध रखती थी, क्योंकि उनका जन्म हुआ है 1320 में। ठीक है, और इसके बाद उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, जो प्रामाणिक जानकारी है, सटीक जानकारी वो नहीं मिलती है, लेकिन ललित को ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है, यानी विभिन्न तरह के नामों से जाना जाता है, अनेक नामों से उन्हें पुकारा जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है, 1391 के आसपास माना जाता है उनका देहांत। ठीक है, तो ये रहा है इनके जीवन के बारे में। और एक मैं बात बता दूं कि ये ललित की जो वाक है, आखिरकार हम लोग जो शीर्षक को पढ़ रहे हैं तो वाक का अर्थ क्या है ना, टाइटल जो है शीर्षक, उसका अर्थ है क्या, तो अर्थ के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो ललित की काव्य शैली को वाक कहते हैं, ललित की जो काव्य शैली है उसे हम लोग वाक कहते हैं। ठीक है, यानी ललित की काव्य को जो लिखने का ढंग है, जो लिखने का तरीका है, उन्हें हम लोग वाक कहते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में, हिंदी के गद्य खंड में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई, रसखान के सवैये जो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, उसी प्रकार से ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये रहा उनके जीवन के बारे में। अब चलिए हम लोग पाठ का प्रारंभ करते हैं, कविता का प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, वाक नंबर वन यानी वाक संख्या एक, वाक संख्या एक में क्या है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रहे मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दे भव सागर पा, है ना। पहली पंक्ति के बारे में आप पढ़े कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रहे मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दे भव सागर पार। अर्थात कहने का तात्पर्य है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है ललित जी। क्या प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, हे ईश्वर, ये जो संसार है, ये जो नाशवान है, और इस संसार जो है एक रस्सी के समान है, और वो कच्चे धागे के समान कमजोर और नाशवान है, न जाने कब टूट जाएगी, न जाने कब घिस जाएगी, इन्हीं रस्सी को मैं, इन्हीं कच्चे धागे को मैं खींच रही हूँ, यानी नाव समझ के खींच रही हूँ। यानी ललित जो है वो कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि ये जो संसार के जो लोग है, मनुष्य, वो कच्चे धागे के समान है, और उस समुद्र रूपी नाव जो फंसी हुई है इस समुद्र में, यानी मनुष्य के रूप में, उन्हें मैं खींचने का प्रयास कर रही हूँ, उन्हें मैं सही दिशा में लाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दे भव सागर पार, हे ईश्वर, हे प्रभु, न जाने आप मेरी पुकार को कब सुनोगे, हे प्रभु, हे ईश्वर, न जाने आप मेरी पुकार को कब सुनोगे, कर दे भव सागर पार। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस भव सागर को, यानी इस समुद्र रूपी सागर को, यानी ये संसार जो है विशाल काय है, इस संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं,
है ना, जो अपना जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, इन्हीं मनुष्य को यानी जो भव सागर है, यानी जो समुद्र रूपी सागर है, इसको आप पार लगा दीजिए, इसका आप बेड़ा पार लगा दीजिए। ठीक है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कहने का तात्पर्य है, कवित्री ये कह रही है कि जिस प्रकार पानी जो टपकता है, यानी कच्चे सकोरे, यानी कच्चा घड़ा, मिट्टी का घड़ा, यानी जो मिट्टी का घड़ा होता है, जो मटका होता है, वो कच्चा होता है, अगर उस पर पानी की एक बूंद भी पड़ती है तो वो टूट जाता है, पिघल जाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार इस संसार के जो लोग हैं, जो मनुष्य है, वो कच्चे घड़े के समान नाशवान है, कमजोर है, और वो कभी भी टूट सकते हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और मैं उसे सही दिशा में लाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन यह जो मेरा प्रयास है वो व्यर्थ हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। ठीक है, वो ईश्वर से निवेदन कर रही है। अगली पंक्तियों में, जी में उठती रह रहा हुक, घर जाने की चाह है खेरे। फिर कवित्री कह रही है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे जी में अर्थात मेरे हृदय में रह रह के हुक, हुक का अर्थ होता है बेचैनी, है ना। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे हृदय में न जाने रह रह के क्यों बेचैनी उठ रही है, और घर जाने की चाह है खेरे, अर्थात मैं इस संसार के लोगों से, अर्थात मैं इस संसार के मनुष्यों से मैं हार चुकी हूँ, अब मुझे आप अपने पास, अपने शरण में बुला लीजिए, यानी आप अपने घर में बुला लीजिए, अर्थात ईश्वर के पास। ठीक है, तो इन्हीं चार पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।